नमस्कार। भाजपा का परिवार बढ़ता जा रहा है। आज सुरेश शर्मा जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी आज उन्होंने भी भाजपा में आस्था जताई और भाजपा का दामन थाम लिया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं उन्हें भाजपा ज्वाइन करवाने के लिए लेकर सांसद नायब सिंह सैनी उनके आवास स्थान पर पहुंचे और उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें भाजपा ज्वाइन करवाई। इस मौके पर चेयरपर्सन सुरभि गर्ग भी मौजूद रही और भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर भी मौजूद रहे। देखिए यह पूरी वीडियो। यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे 13 वार्ड के सभी सम्मानित बुजुर्गों की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से और मेरे शुगर मिल के साथियों की तरफ से। यहाँ पहुंचने पर आपका हार्दिक आभार है, हार्दिक अभिनंदन। मैं माननीय सांसद जी को एवं हमारे बहुत ही ओजस्वी जिलाध्यक्ष जी को बताना चाहता हूँ कि स्वागत करती है, आप लोगों को बधाई देती है कि इस पार्टी में आप जितना मान सम्मान मुझे मिला उतना ही मान सम्मान आपको भी मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। क्योंकि बीजेपी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना कि एक बड़े मंत्री को। इसलिए आप लोगों का स्वागत है इस पार्टी में और बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक बहुत ही मेहनती साथी जिसका व्याख्यान वर्णन उनकी काबिलियत का और उनकी निष्ठा का मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने जिक्र किया, ऐसे हमारे भाई सुरेश शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला शर्मा जी और बहुत से उनके साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो मैं सुरेश शर्मा जी को और आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आप केवल भारतीय जनता पार्टी में के साथ नहीं जुड़े, आज आप एक विचारधारा के साथ जुड़े हो, एक ऐसी विचारधारा जो राष्ट्रहित के लिए काम करती है, देश के उत्थान और कल्याण के लिए काम करती है और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम इस देश और दुनिया की एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इनको धोखा दिया, मैं ये कहता हूं कि कोई एक व्यक्ति बताए, कोई एक घर बताए, कोई एक क्षेत्र बताए कि इस व्यक्ति ने किस किस को धोखा नहीं दिया। इसने हर परिवार को, हर व्यक्ति को, हर क्षेत्र को धोखा दिया। जब यहां से पिछली बार विधायक बना तो जींद में जाकर के कहा कि मुझे आप यहां से विधायक छोड़ दो, मैं कैथल को छोड़ दूंगा, लेकिन उन लोगों ने उसको विधायक नहीं बनाया। और जब 2019 में यहां से वोट मांगने के लिए आया तो कैथल की जनता ने कहा आप धोखेबाज आदमी हो, आपका हम यहां पर कोई काम नहीं, और उसकी छुट्टी करने का काम किया। और इसके साथ साथ जब इस नगर परिषद का चुनाव आया तो नगर परिषद के चुनाव में उसने घर घर जाकर के वोट मांगे लेकिन लोगों ने उसको नकार दिया। ये केवल रणदीप सुरजेवाला की बात नहीं, ये कांग्रेस के हर नेता की प्रवृत्ति है। ज्यादा न बोलते मैं इतना कहना चाहूंगा अपने भाई, अपने साथी भाई सुरेश शर्मा जी को, जहां कहीं भी आपको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत होगी, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होगा और आपको पूरा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। और एक बार पुनः सुरेश शर्मा जी का, उनकी श्रीमती उर्मिला शर्मा जी का और उनकी पूरी टीम को भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सुरेश जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि कांग्रेस में इन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इन्होंने पूरी टीम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। और सुरेश जी पहले भी ये भारतीय मजदूर संघ, क्योंकि ये शुगर मिल के अंदर
वहाँ पर ये यूनियन के प्रधान भी रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़े रहे हैं, जिला के प्रधान रहे हैं, बहुत एक्टिव ये कांग्रेस के अंदर इन्होंने काम किया है। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को अपने पूरे साथियों के साथ इन्होंने ग्रहण किया है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस पार्टी के विचार के साथ हाथ जुड़े हैं। मैं इनका पार्टी के आगमन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के कार्यों की भी प्रशंसा की है कि ज़बरदस्त काम जो युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के पहली बार नौकरी आज मिल रही है, और बहुत सारी बातों को लेकर के प्रभावित हुए हैं क्योंकि कांग्रेस में परिवारवाद है, परिवारवाद को इन्होंने निकाला है। आज भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़े हैं, मैं इनका पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उसको क्योंकि मैंने विजिट करना है और बीच में कोरोना का समय आ गया था, कोरोना के समय के अंदर जो उसका टाइम था मेरे ख्याल से उस टाइम के कारण वो पूरा नहीं कर पाए, और जल्दी ही उसकी अधिकारियों के साथ चर्चा करके, रेलवे की रहती है, हाँ रेलवे के अधिकारियों के साथ चर्चा करके उसको शीघ्र ही पूरा बात करें। सर उसमें हादसे होते रहते हैं, पानी निकालने की कोई निकासी की कोशिश? हाँ, इस बात को लेकर के मैंने मंत्री जी के ध्यान में लगाई है ये बात। यहाँ पर जो पुल है उसके अंदर बरसात में पानी भर जाता है और शायद उसके ऊपर जल्दी ही वो शेड पड़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर बरसात का पानी ना जाए और उससे लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि सारा का सारा बरसात का पानी उसके अंदर आता है।